नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है मार्क्स एंट्री. दिस इज द मेन फॉर्म. बेसिकली स्कूल्स में टीचर्स का सबसे ज्यादा यूज होने वाला पेज है आपका स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड मॉड्यूल में मार्क्स मार्क्स एंट्री. मार्क्स एंट्री में आप क्लिक कीजिए. इसमें हमने तीन ऑप्शंस दिया हुआ है, मार्क्स एंट्री, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एंट्री एंड रेटिंग एंट्री. मार्क्स एंट्री किस लिए यूज होता है? आपके टीचर्स को सिर्फ यहाँ से मेन सब्जेक्ट यूज करना है, क्लास सिलेक्ट करना है, रेगुलर स्टेटस में टर्म के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सिलेक्ट करनी है, ऑर्डर बाय आप नेम एंड रोल नंबर दोनों कर सकते हैं, कौन से एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट आपको मार्क्स फीड करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना रहता है, आउट ऑफ एग्जाम आपने कितने में लिया है. सपोज हमने हमारा PA 20 मार्क्स का रिपोर्ट कार्ड में शो होता है लेकिन स्टूडेंट टीचर्स ने उसे 50 मार्क्स का लिया है, एग्जामिनेशन स्कूल के अकॉर्डिंग वो 50 मार्क्स का है, तो आपको 50 के अकॉर्डिंग ही टीचर्स को मार्क्स फीड करना है. सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसे 20 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, टीचर ने 50 के अकॉर्डिंग फिल किया 37, सॉफ्टवेयर ने उसे 14.8 कन्वर्ट कर दिया. अगर आपका ये यही मार्क्स कैलकुलेशन ग्रेड सब्जेक्ट के बिहाफ में आपको साथ में ग्रेड शो करना है तो आप ये भी सेटिंग हमारे ऑप्शंस में सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है. मास्टर्स में यहाँ पे आपको ग्रेड रेंज डालना रहता है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली 14.8 के अगेंस्ट में यहाँ पे ग्रेड आ जाता और वही आपके रिपोर्ट कार्ड में शो होता. तो एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही मार्क्स एंट्री के पेज में आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं. अगर आपको कन्वर्टेड मार्क्स शो करना है तो आप एग्जैक्ट रिट्रीव्ड मार्क्स शो करना है तो आप वो भी शो करा सकते हैं, कन्वर्टेड मार्क्स शो करना है तो आप वो भी करा सकते हैं, ग्रेड शो कराना है तो यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेशन फीड करने के बाद वो भी आ जाएगा, वो भी शो करा सकते हैं. और मान लीजिए स्टूडेंट एब्सेंट है तो आपको AB में चेक करना है, ये आपके रिपोर्ट कार्ड में प्रिंट होगा. नॉट एप्लीकेबल है, दैट मीन्स स्टूडेंट एग्जाम में बैठ नहीं पाया क्योंकि वो स्कूल के ही किसी फंक्शन की वजह से या फिर अभी उन्होंने फर्स्ट एग्जामिनेशन तक अटेंडेंस सॉरी एनरोलमेंट नहीं कराया तो उस केस में आपको नॉट एप्लीकेबल करना है. तो ये आपका NA जाएगा. रिपोर्ट कार्ड में एबसेंट, NA और मार्क्स तीनों फीड करने का आपके पास ऑप्शन है. तो इस तरह से आपको हर स्टूडेंट के मार्क्स फीड करने हैं और सॉफ्टवेयर उसे कन्वर्ट करके शो करेगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.